मैं कियान जोशी, नाइस टू मीट यू ऑल। एक बात बताऊं, एक जान के लिए मेरे फ्रेंड्स के मम्मी पापा के लिए सबको पापा मिल मेरे फ्रेंड्स के मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते, हेल्प भी करते और स्कूल भी साथ में छोड़ने आते, पर मेरी जान मेरी मम्मी अकेले सब कुछ करती है। मेरी जान ऑलराउंडर है ना, मम्मी और पापा का दोनों का काम करती है, इसलिए थोड़ी थक जाती है। इसलिए मुझे पापा की इतनी ज़रूरत तो नहीं है, पर मुझे अपनी जान के लिए पापा चाहिए, प्रिंस चाहिए जो उनकी हेल्प करे, उनको प्यार करे। तो ये है मेरे दोस्त आलिया मान। मैं हूँ आर्यमन दोस्त। कमान कमान कमान, गिव मी अ हाई फाइव, कमान, येह। सो तो ये मेरी जान से शादी करना चाहते और उनको अपनी क्वीन बनाना चाहते, तो मैं बिना टेस्ट लिए इनको इनको पास थोड़ी कर दूंगा। तो आर्यमन, आप मेरे तीन टेस्ट के लिए तैयार हो? बस तीन टेस्ट? हाँ बिल्कुल। टेस्ट नंबर वन, आप इतने स्ट्रांग हो कि मेरी जान के लिए रक्षा कर सकते हो? अरे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये देख मेरे पास। तो आप अपने पीठ पे बैठा के मुझे 10 पुशअप्स करवाओ। बस इतनी सी बात? आजा कम ऑन, आजा। वेरी गुड, तू काउंट करेगा? हाँ। आराम आराम से करियो। हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वाओ हीरो, मजा आ गया। टेस्ट नंबर टू, क्या आप मेरी जान के लिए रोमांटिक हीरो बन सकते हो? टेस्ट नंबर टू, आप मेरी जान के फेस पे स्माइल करवा सकते हो एक सॉन्ग गा के? बस हाँ बिल्कुल, अभी लगा सकता हूँ, ये ले। रोमांटिक सॉन्ग गाता हूँ। तुझे देखा तो ये जाना सनम। कान की रक्षा तो हो गई, पर जान की रक्षा तो कौन करेगा? ठीक है, अगले टेस्ट में फेल मत होना। आप तो अपने आप को राजकुमार कहते हो ना? तो टेस्ट नंबर थ्री, आप मेरे जान के लिए रोमांटिक हीरो बन सकते हो? बन सकता हूँ। तो ठीक है।
है ना मजा? हाँ। तो ऑडियंस अभी आप ही बताइए हीरो पास है कि फेल? पास कर देना। हाँ प्लीज प्लीज कर देना पास। लेकिन मैं सोच के बताता हूँ। तू हमेशा सोच के बताता है यार। क्यान 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 को एक होनहार कैंडिडेट जरूर मिल गया है। या ऑन दैट हैप्पी नोट आप फिलहाल ऑडियंस में जाके बैठ सकते हैं। विदाउट फर्दर अडू आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर ऑफ आवर शो द एक्सट्रीमली वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड सोनाली जफर मैम। प्लीज कम टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द शो। Good afternoon, ladies and gentlemen. Sorry for the long wait that we had to keep you waiting. So we promise this is going to be short. And center. So now center. Okay. Sorry. Yeah. Good. Okay. So Full House Media, our production house, has had a very long association with Zee and a successful one at that. No choice. Whether it was. राइटिंग कसम से और प्रोड्यूसिंग मेरी हानिकारक बीवी और तुझसे है राबता और कुर्बान हुआ वी हैड अ ग्रेट रन विद द चैनल एंड नाउ वीड लाइक टू प्रेजेंट टू यू मैं हूँ साथ तेरे कंप्लीटली कीपिंग अप द ट्रेडिशन आर लेबर ऑफ लव एंड इमोशन रिटन कंप्लीटली फ्रॉम द हार्ट एंड प्रेजेंटेड टू यू इन द सेम वे इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर शो So please give it all the love you want and see you on TV. Thank you. Thank you so much. So would you like to see the AV? Yes. Oh my God. Yes, we'll help you, ma'am. Do you want me to hold you? For the photo op. Can we please have Karan, Ulka, Nehan back on stage? Also, we've been joined by some of the key cast members. Can we have Ali Hassan ji, Preeti Chaudhary, Karan Suchak? Please join us up on stage. I'd also like to call on stage Amir Jafar ji. Sonali ji, of course. Tabrez, Rishikesh Gandhi, our DOP. The writers of the show, Gaurav Sharma, Shilpa Jathar, Rishabh Kungru, the project head, Sanjay Behera, creative director, Nagin Mirza. Guys, we'll be doing the interactions in an informal way at the round tables. So this is just a photo op. We'll do a full cast and crew. We'll do a cast and crew picture. An only cast photo op now next
lights any brighter, can you increase the face lights, guys? All right. Thank you, everyone. Thank you so much for joining us. Please join us for lunch before you go, and we'll now start the interactions at the round tables. Yeah? Yeah, yeah. Karan, Ulka, and Nehan, we'll need you up on stage for a few combination shots as well. Yes. नई शो से नई शुरुआत होने जा रही है. इस बार का जो कैरेक्टर है थोड़ा इस तरह से एक्सपीरियंस कैरेक्टर लग रहा है. जितना भी मैंने ईवी देखा बहुत अच्छा लग रहा है. आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताइए डीपली. व्हाट वुड यू लाइक टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच और आप सब आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए. जैसे कि आपने देखा जानवी को, जानवी एक बहुत ही अलग कैरेक्टर है, बहुत ठहराव है इसमें. और उल्का ने आज तक जानवी जैसा किरदार नहीं किया है. मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी रहा है, चैलेंजिंग रहा है, टिपिकल नहीं है. सो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जानवी की ज़िंदगी में यान, और उसके पीछे की क्या कहानी है वो तो आपको एपिसोड के ज़रिए पता चलेगा और हम चाहेंगे एक सुंदर कहानी में बता सकें. इसके लिए मुझे काफ़ी नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ी, यू नो, रिकॉर्डिंग एक्टिंग के लिए भी. बिकॉज आपने हमेशा मुझे यू नो बहुत ही हीरोइक रोल्स करते हुए देखा है, पर इस तरह का हीरोइन रोल नहीं करते हुए देखा होगा. अपने आप में एक एक्सपीरियंस है. बस आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो पोस्टर्स हमारे इतने अच्छे लग रहे हैं, फर्स्ट टू एपिसोड इतने अच्छे लग रहे हैं और आप सबका इतना प्यार मिला. सो उल्का जी, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी लोगों ने हीरोइक रोल करते हुए देखा है, ये रोल जो है एक माँ का रोल है, कितना एक्साइटिंग लगा आपको जब अप्रोच किया गया, क्या रिएक्शन था, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी माएँ हीरो हैं. आज हम सब जो भी हैं हमारी माओं की वजह से, मतलब हमारे जन्म से लेकर लालन पालन हर संस्कार हमें हमारी माँ ने दिया है. हम अपने पिताओं के साथ जितना वक्त नहीं, यू नो फादर्स के साथ जितना वक्त नहीं बिताते उतनी ज़्यादा माँ से बिताते हैं. तो आई थिंक सिंस वो एक हीरो है जो हमारे सबसे क्लोज टू हार्ट है, तो क्यों ना मैंने सोचा इस बार यू नो मार धाड़ और एक्शन वाला हीरो तो मैंने बहुत किया है, मतलब हीरोइन ये नहीं किया. एंड सिंगल मदर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी अनसंग हीरोज़ हैं.
जिन्हें उतना क्रेडिट मिलता नहीं। देखा जाए तो जिस तरह की हमारे कंट्री में लाइफस्टाइल है, हर माँ घर की एक सिंगल मदर जैसे ही कर रही होती है, घर भी संभाल रही होती है, कभी कभी किस कुछ सिचुएशंस में अपनी जॉब्स भी संभाल रही होती है और बच्चों को, ना सिर्फ एक, कई बच्चों को संभाल रही होती है। सो आपने देखा होगा यार, यू नो, एक वर्किंग लेडी ऑफिस से आ रही है, वो मटर छील रही है, वहीं पे प्याज काट रही है और यू नो घर पहुँचते ही खाना भी बनाकर खिलाती है। तो ये स्पिरिट है हमारे देश के मदर्स की। और जब बात आती है सिंगल मदर्स की तो उनको सबसे कम क्रेडिट मिलता है, और क्रेडिट के साथ साथ जो जो सोसाइटी से जो चीज़ें उन्हें सुननी पड़ती है या जो सवालों को झेलना पड़ता है आसान नहीं है। तो इसलिए इस शो के ज़रिए हम सिंगल मदर्स के बारे में और उनकी उस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं जो वो डिज़र्व करती हैं। आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी इस किरदार के लिए? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ एज एन एक्टर और एज अ वुमन ऑल्सो कि आज तक मैं माँ बनी नहीं हूँ अब तक, तो पर जब मैं बनूँगी तो जैसे हर हम कहते हैं ना कि यू नो हमारे पेरेंट्स भी पहली बार माँ बने हैं या बाप बने हैं तो उनके लिए भी कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, बट मुझे ऑलरेडी एक माँ बनने का रिहर्सल मिल रहा है और आई वंडर मैं किस तरह की माँ बनूँगी क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है एक्सपीरियंस। बट कमिंग बैक एज एन एक्टर था थोड़ा स्ट्रगल था क्योंकि जब भी मैं कुछ वो सीन्स रीड करती थी मुझे कहते थे वो ममता नहीं दिख रही है, मैं सोचती थी कि ममता ऐसी कौन सी चीज़ है यार जो मुझे नहीं आ रही है, पर फिर जाना फिर अपने माँ के बारे में सोचा, अपने सारे फ्लैशबैक्स, तो समझ आया कि ममता एक सैक्रिफाइस है, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है और एक माँ ना सिर्फ अपने बॉडी के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है बट अपने पूरे जीवन को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, अपने हर खुशियों को, अपने हर हक को, मतलब आपके थाली में भी जो एक एक्स्ट्रा निवाला होता है तो वो माँ खिलाती है, अपना पेट काट कर आपको खिलाती है, तो वो फीलिंग उससे नोबल फीलिंग नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं एक सिंगल मदर को निभाऊं। उनका जिस तरह से हम सभी को पता है आपकी जो सास दोस्त है वो भी एक मैच्योर रोल कर रहे हैं, क्या उनसे इंस्पायर? आई थिंक हम यहाँ जानवी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा सवाल आप पूरा जी, तो जिस तरह आप एक मैच्योर रोल कर रहे हो क्या उनसे इंस्पायर होके आप इस तरह का मैच्योर रोल करने के लिए हाँ बोले हो, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड से इंस्पायर होते हैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ में। यार तो मेरी दोस्त है, मेरी जान है एंड आई थिंक शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस एंड शी इज़ रॉकिंग हर रोल राइट, बिकॉज काव्या जैसा का किरदार भी है, सॉरी बट यू नो इट्स नॉट ईजी एंड शी इज़ पुलिंग इट ऑफ वेरी ग्रेट, वेरी नाइस एट सच अ यंग एज। आपके किरदार से क्या जनता हो क्या किस तरह का? वो सोनी का काव्या शो एंड ऑल दैट नॉट मतलब मेरे गाइडलाइंस में है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट समझिए, ये एडिट हो जाएगा प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब फिर मुझे ना ऐसा रिपरकशन। ठीक है, मैं इस पे पूछता हूं कि किस तरह से लोगों को क्या संदेश आ जाएगा आपके किरदार से? देखिए टेलीविजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है, ना सिर्फ हमारे यू नो जेनरेशन को एंटरटेन करने का बट एजुकेट करने का, और जो कमिंग जेनरेशन है, जो भी जो माताएं बहन जो लड़कियां हैं उन्हें कोई लिमिटेशंस नहीं लगनी चाहिए कि एक औरत इंडिपेंडेंट हो सकती है, अगर एक लड़की प्यार में हो सकती है और एक लड़की मतलब औरत सब कुछ हो सकती है, और यहाँ जानवी एक इंडिपेंडेंट माँ है, वो जॉब भी करती है, अपने बच्चे को भी संभालती है, बट अब तक उसने प्यार के बारे में नहीं सोचा है और कियान वो कोशिश करेगा कि अपनी माँ की लाइफ में प्यार ला सके। थैंक यू। देखिए सब, इस किरदार का नाम है आर्यमन मुंदेला, ये हमारी जो कहानी शो की कहानी है ये ग्वालियर के बेस्ड है, ग्वालियर में बेस्ड है। शो की कहानी ऐसी होती है कि जानवी है, उसका एक बेटा है कियान, कियान बेसिकली उसकी क्या, कियान के लिए उसकी माँ ही सब कुछ है, उसके माँ, उसके बाप, उसका सारा काम, हर चीज़ उसकी दुनिया है, और जानवी के लिए कियान।
अब कियान को जानवी के लिए एक हस्बैंड चाहिए, अपने लिए नहीं, उसको अपनी माँ के लिए चाहिए, क्योंकि उसको लगता है बेचारी मेरे लिए भागा दौड़ी करती है, इतना सब कुछ करती है, तो इसी के लिए वो मैं आता हूँ लाइफ में, और मैं जानवी एंड मेरा रोमांटिक एंगल होता है, और जानवी बोलती है अगर वो अप्रूव करेगा तो ही मैं जो भी है इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। सो अभी जर्नी ऐसी है कि कैसे आर्यमन कियान को, हर स्टोरी में होता है कि लड़का लड़की को मनाता है, या मुझे एक बच्चे को मनाना पड़ेगा, बार बार उसके लिए चीज़ें करनी पड़ेगी, जो वो बोलेगा वो वैसे करना पड़ेगा, हर टास्क को जीतना पड़ेगा जानवी तक पहुँचने के लिए, या वो बेसिकली अप्रूवल देगा मुझे। बच्चे को ज़्यादा मुश्किल है, नहीं बच्चे को ज़्यादा आसान है, सॉरी, वो तो कोई भी चीज़ दो तो मान लेता है, बीवी को मुश्किल है। बच्चे इनोसेंट होते हैं, देखिए बच्चे इनोसेंट होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगता उनका, मतलब दिमाग इन द सेंस वो दुनियादारी को इतना नहीं मतलब जान पाते। बीवी हो या हस्बैंड हो तो वो सब जानते हैं आपको अंदर बाहर क्या है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से वो मनवा लेते हैं अपनी बातें सारी। डिफरेंट है, एब्सोल्युटली डिफरेंट है, एक फ्रेशनेस है स्टोरी में, किरदार तो बाद में, एक स्टोरी में बहुत बड़ी फ्रेशनेस है, किरदार अलग है क्योंकि इसका भी एक अपना एक इसकी भी बैक स्टोरी है, एक है इसको भी अपने बाप का प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि एक आप देखेंगे स्टोरी भी एक इंसिडेंट होता है क्योंकि इसके बाप इसको इंडिया से बाहर कर देता है ड्यू टू सम इंसिडेंट विच हैपन्स इसके बचपन में, और ये अपने बाप के प्यार को यू नो ही लॉन्ग्स फॉर क्रेव्स फॉर हिज फादर्स लव जो उसको नहीं मिल पाता, और इसके बाप भी इसको धुतकारता है, और इसको भी बाप का प्यार चाहिए, और वेयर इन कियान उसको भी एक बाप का प्यार चाहिए, पर उसको बाप का प्यार चाहिए अपनी माँ के लिए, मतलब ऐसा है उसको अपनी माँ के लिए चाहिए। सो बहुत कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, ये कनेक्टिंग द डॉट्स वाली स्टोरी है, कैसे वो लोग आएंगे पास में, कैसे उसको फादर फिगर दिखेगा आर्यमन के अंदर, और कहाँ ये बॉन्ड मतलब लेके जाएगा आगे, ऐसा तो बहुत क्यूट लगी मुझे ये जब मैंने सुना, मैंने इस ऐसी स्टोरी कभी पहले सुनी भी नहीं थी, सो आई ना फेल्ट रियली कनेक्टेड, एज यू नो मैंने बताया कि कभी रिसेंटली मैं भी एक पिता बनाऊँ तो बहुत कनेक्ट कर पाया मैं उससे। मेरे बेटे का नाम आई गॉट टू बॉयज़ ट्विन बॉयज़, सो बड़े का नाम आर्य है, सो कैरेक्टर का नाम आर्य था, सो देयर ऑल्सो आई गॉट अ कनेक्शन, सो वाइल प्लेइंग द कैरेक्टर मैं बहुत अच्छा लगता है न्यू जोन में जाना मुझे, यू नो जस्ट प्लेइंग दैट, सो या कनेक्टेड है वो बेसिकली, मैं सिंपल मंत्रा है, मैं उसके साथ बिल्कुल बच्चा मतलब बच्चा बन जाता हूँ उसी की एज का, जो वो हम लोग बिहाइंड द सीन्स आई जस्ट बिकम यू नो दैट जस्ट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ मी, सो जो वो बोलता है जो वो करता है हंसी मजाक चलता रहता है वही वो बंदा कनेक्ट कर पाता है व्हाट आई थिंक, सो यही कनेक्शन या ऐसे या हाँ मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोलता बोलता भी इमोशनल हो जाऊँगा मैं बहुत मिस करता हूँ एब्सोल्युटली बोलने की बात ही नहीं है, पर हाँ मैं जब इसके साथ होता हूँ इसको देखता हूँ इसकी हरकतों को देखता हूँ यू नो तो कहीं ना कहीं वो एक स्पेस हाँ वो थोड़ा सा फील हो जाता है मुझे या अरे थैंक यू सो मच। देखिए अभी फिलहाल शुरुआत है, अभी सीन्स की हमारी शुरुआत, इतने सीन्स हुए नहीं, बट इनिशियली मेरे लिए एक्टर अच्छे हों बुरे हों बट एक इंसान अच्छे होने चाहिए, और वो बहुत अच्छी इंसान है, मतलब वाइब बहुत अच्छा है, और एक्टर एब्सोल्युटली आप सभी जानते हैं बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो मज़ा आता है सीन्स करने में, गिव एंड टेक बहुत अच्छा होता है, सो फॉर नाउ इट्स गोइंग रियली वेल या टच वुड। फैंस एंड व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने मेरे सभी शोज़ को बहुत प्यार दिया है, इसको भी इट्स अ न्यू बेबी, इसको भी आप प्यार दीजिए, एंड आई कैन वाउच फॉर इट, ऐसा शो अभी टेलीविजन पे बिल्कुल नहीं आया, एंड बहुत मज़ा आएगा देख के। या बच्चे को संभालना कितना मुश्किल हो गया था आपको देख के, क्योंकि बच्चे लोग काफ़ी मस्ती करते हैं। बच्चा मस्ती नहीं करेगा क्या करेगा,
सो मतलब ठीक है, वो मज़ा आता है देखने में. मैंने जैसे बोला कि वो मस्ती करता है, हम लोग भी उसके साथ मस्ती करते हैं, और उसकी मस्ती क्यूट वे में होती है, मतलब ऐसा नहीं होता. तो एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ किड, तो ऐसा कुछ परेशान वगैरह नहीं करता, कोई टैंट्रम्स नहीं, कुछ भी नहीं है. सो या मस्ती है फुल ऑन. अभी देखते हैं कब तक पास कर देगा. पुशअप करवाता है, गाने गवाता है, इधर उधर कूदवाता है, सब करवाता है, तो करना पड़ेगा अभी तो. या थैंक यू, मोस्ट वेलकम. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू जी.